हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बहुत ही आसान और सरल तरीके से। जैसा कि हमने यूनिट और मेजरमेंट की 7 लेक्चर्स हमने क्या कर लिए बेटा, कंप्लीट कर ली है। आज हमारा ये कौन सा लेक्चर होगा? 8th नंबर का लेक्चर होगा। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाया है ना, आई होप आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पास नोट्स रख ले, या तो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना 8th नंबर का लेक्चर। ठीक, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्या बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक, क्या टॉपिक होगा हमारा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो आप इसमें देखेंगे कि होमोजेनियस का मीनिंग क्या होता है। पहली बात क्या बेटा, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? तो होमोजेनियस का मतलब होता है सेम सेम। ठीक, क्या होता है बेटा? सेम सेम। अब सेम सेम का मतलब क्या, सेम सेम का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा क्या मैं 2 में 2+ कर सकता हूं? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल कर सकते हो। तो 2+2 कितना हो गया बेटा? 4। क्या मैं 4+4 कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, 8 हो जाएगा। क्या मैं 3+3 कर सकता हूं? बिल्कुल हो सकता है, 3+3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप सोचो मैंने 2 में 2+ किया तो कितना आया बेटा? 4। 4 में 4+ किया तो कितना आया? 8। 3 में 3+ किया तो कितना आया? 6। या आप ऐसे कर लो, 4 में 3+ कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा? 7। बात सही है क्या? अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं 2+x करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, कोई बता सकता है? 2 में+x करूं तो कितना हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 2 में अगर आप x+ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अरे 2 x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2x होता है, समझ में आया? 2 x क्या होता है? 2x होता है। अब जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, ठीक है, और डिफिकल्ट भी लगता है। 2 में मैं x ऐड करूंगा तो क्या आएगा? कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। 2 में अगर मैं y को प्लस कर दूं तो क्या आएगा? नहीं पता। इसका मतलब आप क्या समझ रहे, अगर डिजिट में मैं वेरिएबल को प्लस कर रहा हूं, डिजिट में क्या कर रहा हूं, वेरिएबल को प्लस कर रहा हूं, तो क्या इसका कोई रिजल्ट मिलेगा बेटा? नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां पर 2+y कर रहा हूं, मतलब डिजिट में क्या प्लस कर रहा हूं, वेरिएबल को प्लस कर रहा हूं, तो क्या इसका रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां पर रिजल्ट क्यों मिल रहा था, यहां पर रिजल्ट क्यों मिल रहा था, जरा समझो। अगर मैं डिजिट में डिजिट को क्या करूं बेटा? प्लस करूं, ठीक है, तो क्या आएगा? डिजिट मिलेगा या तो नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं नंबर करूं, जैसे 10+20 कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। 10 में मैं 20 को ऐड कर पा रहा हूं क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा? नंबर्स हैं। दोनों ही क्या है? नंबर्स हैं। 2 में मैं 2 को ऐड कर पा रहा हूं क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा? डिजिट है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डिजिट को डिजिट से प्लस करोगे या डिजिट को नंबर से प्लस करोगे तो क्या आएगा? नंबर आएगा, डिजिट आएगा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर डायमेंशन सेम है, मतलब इंटीजर इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, तो अगर डायमेंशन सेम है ना, तो क्या आएगा बेटा? तो क्या आएगा आंसर हमारा? डायमेंशन इसकी क्या है? सेम है। ठीक है, जैसे मैंने यहां 2 को 2 से 8 किया है, इसका मतलब इसके डायमेंशन सेम है, तभी ये क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। ठीक है, तभी मुझे क्या मिलेगा बेटा? रिजल्ट मिलेगा। मैं कहना यह चाहता हूं अगर डायमेंशन सेम हो, क्या बेटा, डायमेंशन सेम हो या इक्वल हो, तभी हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं बेटा? सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? फिजिकल क्वांटिटी को मैं तभी ऐड कर सकता हूं या सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूं जब उनके डायमेंशंस क्या हो बेटा? सेम हो। अगर मैंने 2 मीटर लिया, ठीक है, 2 मीटर लिया और मैं इसमें 2 किलोग्राम को ऐड कर रहा हूं, तो क्या इसका कोई रिजल्ट मिलेगा बेटा? नहीं।
ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो क्या मैं 2 मीटर में 2 किलोग्राम को प्लस करूं, 2 मीटर में 2 किलोग्राम को प्लस करूं तो क्या कोई रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर 2 मीटर में मैं सपोज 2 मीटर को ऐड कर रहा हूं तो कितना मिलेगा मुझे बेटा? 4 मीटर मिलेगा। बात सही है, मैं 2 मीटर में 2 ही मीटर को ऐड कर सकता हूं, ठीक है क्या? तब मुझे क्या मिलेगा? 4 मीटर मिलेगा। या मैं 2 मीटर में क्या कर सकता हूं? 2 मीटर में है ना 6 मीटर को ऐड कर सकता हूं तो कितना मिलेगा बेटा? 8 मीटर मिलेगा। मतलब मीटर मीटर वाले डिजिट्स को मैं क्या कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं। मीटर मीटर वाले को क्या कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं। मीटर के साथ किलोग्राम को ऐड नहीं कर सकता, मीटर के साथ केल्विन को ऐड नहीं कर सकता, जब तक डायमेंशन सेम ना हो। ठीक है, जैसे यहां मीटर, मीटर क्या है बेटा? लेंथ, लेंथ को हमने सपोज मेजर किया है, यहां पर भी हमने क्या किया है? लेंथ को मेजर किया है। तो लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो दोनों ही क्या होना चाहिए बेटा? दोनों ही क्या होना चाहिए? लेंथ की वैल्यूज होना चाहिए, तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर डायमेंशन सेम है, क्या बेटा? डायमेंशन सेम है तभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी? ऐड होगी, या तो क्या होगी बेटा? सब्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं तभी ऐड कर सकता हूं या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं जब दोनों के डाइमेंशंस क्या हो बेटा? सेम हो। ठीक है क्या? अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतनी सारी बातें मैंने क्यों बताया आपको। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब समझ रहे हैं? इक्वल या तो सेम। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, हम केवल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसके डाइमेंशंस क्या हो बेटा? जिसके डाइमेंशंस क्या हो बताइए? इक्वल हो। डाइमेंशंस क्या हो बताइए बेटा? इक्वल हो। ठीक है, डाइमेंशंस क्या हो? इक्वल हो। अब जरा समझना ध्यान से, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन पर आ रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना कि मैंने कहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं तभी ऐड कर सकता हूं या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं जब उनकी है ना, जब उनके डायमेंशंस क्या हो बेटा? सेम हो। एक मिनट बेटा, जब उनके डायमेंशंस क्या हो बताइए? सेम हो। ठीक है, जरा समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना। ठीक है, द डिस्टेंस एक्स इन मीटर, डिस्टेंस किस में है बेटा? मीटर में है। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन, इज गिवन बाय द इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन, और इक्वेशन है मेरे पास क्या बेटा? एक्स इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वेयर, फाइंड डायमेंशंस ए एंड बी। ए और बी क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ए और बी क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट है, याद रहेगा क्या? अब जरा समझना ध्यान से, एक्स किस में है बेटा? मीटर में। एक्स किस में बताइए? मीटर में। टी क्या है बताइए? टाइम। ठीक है, फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, 2 में मैं किसको, या 2 मीटर में मैं किसे ऐड कर पाऊंगा? 2 मीटर को ही, मतलब मीटर मीटर वाले को। ठीक है, तभी मुझे आंसर कितना मिलेगा? 4 मीटर। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? डायमेंशंस ऑफ 2 मीटर इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ 2 मीटर। तभी ये क्या हुए हैं बेटा? इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? डायमेंशंस ऑफ 2 मीटर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ 2 मीटर। तभी मैं इनको क्या कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, यहां पर क्या हुआ है? एटी को माइनस किया है किससे बेटा? बीटी स्क्वायर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो डायमेंशंस ऑफ एटी है, ठीक है बेटा, डायमेंशंस ऑफ 80 जो है वो इक्वल है किसके?
बताओ किसके इक्वल है डाइमेंशंस ऑफ बीटी स्क्वायर के, डाइमेंशंस ऑफ बीटी स्क्वायर के। तभी तो यहां पर हमने क्या किया है, इन दोनों को माइनस किया है, माइनस किया है या प्लस किया है। मैं ऐसा तभी कर सकता हूं जब दोनों के डाइमेंशंस क्या हो बेटा, सेम हो, दोनों के डाइमेंशंस क्या हो, सेम हो। क्लियर है इतना? हाँ, अब जरा ध्यान से समझना, पूछा क्या है, पूछा क्या है जरा समझो। ए का मुझे क्या चाहिए बेटा, डायमेंशन चाहिए, और बी का मुझे डायमेंशन चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं यहां से, एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए टी माइनस बी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब जरा ध्यान समझो, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि शॉर्ट में कैसे बनाना है। ठीक है, ए टी माइनस बी टी स्क्वेयर, यहां पर मीनिंग क्या है, डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ किसके बेटा, डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वेयर, डायमेंशंस ऑफ क्या बेटा, बी टी स्क्वेयर। जरा ध्यान से समझना, अब या तो इसको इसके इक्वल ले लो या तो इसको इसके इक्वल ले लो, तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, इक्वल है। सबसे पहले मुझे किसके डायमेंशन चाहिए, मुझे ए टी के चाहिए, तो मैं काम करता हूं, क्या काम करूं, मैं इसको इसके इक्वल ले लेता हूं। ठीक है क्या, जरा ध्यान से समझना आप, एक्स किस में है बेटा, मीटर में, एक्स किस में है, मीटर में, मतलब मीटर यूनिट है किसकी, लेंथ की, किसकी यूनिट है, लेंथ की। और लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखा जाता है, तो लेंथ के लिए लिखा जाता है एल। तो ये तो हो गया क्या बेटा, एल इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए टी, तो ए का तो मुझे चाहिए, और टी क्या है बेटा, टाइम है, तो टाइम के लिए लिखते हैं क्या बताइए, टाइम के लिए लिखते हैं क्या बेटा, टी। टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, टी को ट्रांसफर करो तो एल अपॉन क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए। टी को ऊपर लेके जाइए, टी माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ए के डायमेंशंस क्या है बेटा, एल टी माइनस वन है, क्या है बताइए, एल टी माइनस वन। या तो आप कह सकते हैं क्या, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस वन, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में इस तरीके से भी आपको दे सकता है। ठीक है क्या, अगर मान लो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकालना होता, मुझे उसकी यूनिट बताना होता, तो यूनिट आप बता सकते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। ठीक है, और टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड माइनस वन, अगर ऑप्शन ऐसा होता तो आप ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पता है तो यूनिट भी पता हो जाएगी, या यूनिट पता है तो क्या पता हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है क्या, अब नेक्स्ट जरा देखते हैं, नेक्स्ट जरा देखते हैं, अब तीनों एक दूसरे के इक्वल है, मुझे किसके डायमेंशन चाहिए भाई, मुझे किसके डायमेंशन चाहिए, बी के चाहिए। अब मुझे तो या तो इन दोनों को इक्वल ले लो, मैं इन दोनों को इक्वल लेने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब मुझे ए का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। ठीक है, मुझे ए का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, और मुझे एक्स का भी पता है पहले से ही, क्या मीटर है, या मीटर के लिए क्या लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। तो या तो आप इन दोनों को ले लीजिए, या तो आप इन दोनों को ले लीजिए, आप बताओ किसमें इजी पड़ेगा, आप बताओ किसमें इजी पड़ेगा, इसमें और इसमें इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ देख लेते हैं और इन दोनों का भी देख लेते हैं। चलो एक्स के लिए क्या बेटा, एक्स इज इक्वल टू है ना, ये केस फर्स्ट हो गया, ऐसे लिख लेते केस फर्स्ट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना, केस सेकेंड। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बेटा, डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वेयर। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वेयर, b का मुझे चाहिए, t को ट्रांसफर कर दो तो x अपॉन क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब मैं पूरा का पूरा डायमेंशन नहीं लिखता है, डी आई एम लिख देता हूं, किसका बेटा, बी का। ठीक है, तो एक्स के लिए क्या आ जाएगा, एक्स क्या है, मीटर मतलब लेंथ होगा, तो लेंथ के लिए क्या आ जाएगा बेटा, एल। टाइम टी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, टी स्क्वेयर, आप टी स्क्वेयर को ऊपर लेके जाइए, एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये किसके डायमेंशंस हो गए बेटा, बी के डायमेंशंस हो गए। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू एम जीरो एल टी माइनस टू। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछता, आपको क्या पूछता बताइए, आपको अगर पूछ लेता इसकी यूनिट, तो क्या हो जाती बेटा, मीटर
है ना, सेकेंड माइनस टू, या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों को लेकर देख लेते हैं। ठीक है, आता है कि नहीं आंसर, दोनों के आंसर हमारे पास आ गए, लेकिन फिर भी इसमें एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं कि इससे हमारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं। डायमेंशन ऑफ एटी, ठीक है, केस थर्ड, ये और होगा बेटा, है ना, क्या डायमेंशन ऑफ एटी, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, डायमेंशन ऑफ एटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, एक टी से एक टी क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बी टी हो जाएगा। क्या मेरे पास a के डायमेंशन है? हाँ बिल्कुल है, a के डायमेंशन क्या है, एल वन टी माइनस वन इज इक्वल टू, है ना, b, और t का क्या हो जाएगा बताइए, b का हो जाएगा क्या बेटा, t, t को आप नीचे लेकर आइए, एल वन टी माइनस वन अपॉन में क्या बेटा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, b। ठीक है, t को ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, एल वन टी माइनस टू इज इक्वल टू बी। हाँ, तो इस कंडीशन में भी आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ठीक है, क्या इस कंडीशन में भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इतना टाइम मेरे पास है क्या, इतना टाइम है क्या मेरे पास एग्जाम में? नहीं है। तो अब जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या कि मुझे करना क्या है। भाई इन दोनों के डायमेंशन तो सेम है, तो इतना लिखने की थोड़ी जरूरत है, x इज इक्वल टू एटी लिखिए। अगर a का चाहिए तो क्या लिखो, x इज इक्वल टू एटी। ठीक है, अगर b का चाहिए तो क्या लिखो, x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। सिंपल सा, तो प्रैक्टिस करते जाएंगे आप तो डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना ये। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय द इक्वेशन। इक्वेशन जरा देखो कैसा है, n इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, ए इज n इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ए और बी क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो एक काम करेंगे हम लोग, ए का भी फाइंड आउट कर लेंगे, बी का भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी पता है मुझे कि सिर्फ बी का आएगा, हो सकता है ए का भी आ जाए। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना भैया। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो जरा देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पर किससे डिनोट किया है बेटा, n से डिनोट किया है, तो चलो n इज इक्वल टू लिख लेते हैं, क्या स्पीड ऑफ लाइट, क्या बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों में ही स्पीड दिख रहा है, स्पीड को कैंसिल आउट करो। अगर डायरेक्ट याद है आपको तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, m0 l0 और क्या बेटा t0, क्योंकि ये क्या है बेटा, रेशियो है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m0 l0 t0। अब जरा ध्यान से समझना, मुझे फिलहाल अभी किसका चाहिए, मुझे फिलहाल अभी किसका चाहिए, b का चाहिए। तो जरा देखो, ये दोनों एड हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के डायमेंशंस कैसे हैं बेटा, सेम है, इन दोनों के डायमेंशंस कैसे है, सेम है। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई एक ले लो, आप बोलोगे सर ए को ले ले तो ए का निकलेगा, तो अब मैं इसे किसके इक्वल ले लेता हूं, एन को मैं किसके इक्वल ले लेता हूं, इसके इक्वल ले लेता हूं, क्योंकि दोनों के डायमेंशन तो क्या है, सेम है। तो डायमेंशन ऑफ, है ना, डायमेंशन ऑफ एन इज इक्वल टू क्या बेटा, डायमेंशन ऑफ b अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, क्या अगर आप यहां पर क्या लिखते बताइए, a लिखते, क्या लिखते, a लिखते, तो आपका a का निकलता। आप सोच रहे होंगे सर इन दोनों को ले लेते तो, क्योंकि दोनों के डायमेंशन तो सेम है। तो अब जरा देखो, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या बेटा, b अपॉन लेमडा स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा करते तो निकल जाता, कि नहीं, क्योंकि मुझे a का नहीं पता ना, अभी मुझे a का पता है कि नहीं पता, इसलिए मैं इन दोनों को इक्वल नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं इक्वल ले रहा हूं किसके, इसके, क्योंकि n का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। ठीक,
तो जरा ध्यान से समझे, n का तो डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता हो गया, m0 l0 और कैविटा t0 इज इक्वल टू। b का मुझे चाहिए लेमडा, लेमडा सबको पता है क्या होता है, वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब क्या बेटा, वेवलेंथ मतलब क्या बताइए जल्दी से, वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ, लेंथ ही तो है वेवलेंथ। तो लेंथ के लिए क्या लिखते हैं l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। l स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, m0 l0 पहले से हटाओ उसको, l स्क्वायर और ये t0 इज इक्वल टू क्या बेटा b। तो आई होप आप समझ गए कि b के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, m0 l2 t0। ठीक है, क्या क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l2 t0। ठीक है बेटा इतना। अब आप सोच रहे होंगे सर मुझे a का भी फाइंड आउट करके बताओ, मुझे a का भी फाइंड आउट करके बताओ। तो जरा समझना, जरा समझना, डायमेंशनल फॉर्मूला b अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू द क्या बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला n। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझे, ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है किसके, n के। तो a का मुझे मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू n का तो मुझे पता है m0 l0 t0। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे पता करना होता तो क्या होता बेटा, m0 l0 t0। अगर मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में आपके ऑप्शंस नहीं है तब आप आंसर क्या देते b का, तो b इज इक्वल टू m0 कुछ नहीं है, t0 कुछ नहीं है, l, l मतलब क्या बेटा लेंथ, और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाता बताइए, आंसर हो जाता। अगर यूनिट के फॉर्म में ऑप्शन होते तो मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में अगर ऑप्शन होते तो m0 l स्क्वायर t0। ठीक, आई होप आप इसको समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, यहां पर जरा देखें आंसर कौन सा होगा बेटा, लास्ट वाला m0 l2 t0। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, रिवाइज भी करिएगा घर में। ठीक है, चलो ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, जरा समझना, वंडरवॉल्स इक्वेशन है मेरे पास स्टेट का, है ना, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू क्या बेटा, एनआरटी। द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के डायमेंशंस हमको चाहिए, ए और बी के डायमेंशंस हमको चाहिए, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो सबसे पहले ए का चाहिए ना मुझे, तो ए को देखो कहां है, ये देखो ए का, ए में कोई फिजिकल क्वांटिटी एड है क्या, हाँ है, जो एड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है क्या, हाँ पता है, और ए के साथ जो है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है क्या, हाँ पता है, तो मुझे अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो, फिर से समझो, मुझे किसका चाहिए, ए का चाहिए, मुझे किसका चाहिए, ए का चाहिए। अब ये देखो कि a के साथ जो एड है ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है क्या, हाँ पता है, क्योंकि p मतलब क्या बेटा, प्रेशर है, यहाँ पर p मतलब क्या है बताइए, प्रेशर है, और a के साथ जो है उसका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता है क्या, हाँ पता है, तो v क्या है बताइए, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का भी मुझे पता है, तो मुझे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इससे हो जाएगा, मुझे a के डायमेंशन मिल जाएंगे। कैसे जरा देखो, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं तभी ऐड कर सकता हूं या सब्स्ट्रेट कर सकता हूं जब दोनों के डायमेंशंस क्या हो बेटा, इक्वल हो, दोनों के डायमेंशंस क्या हो, इक्वल हो। तो मैंने p में प्लस किया है क्या बेटा, a अपॉन v स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशंस कैसे हैं, सेम है, इन दोनों के डायमेंशंस कैसे हैं, सेम है। तो जरा ध्यान से समझना, डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, बात सही है क्या। ठीक है, अब जरा समझना, p मतलब क्या बेटा, प्रेशर। अगर प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो ओके, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, या तो आप साइड में फाइंड आउट कर लीजिए, रिविजन भी हो जाएगा, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का क्या है बेटा एल टू, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एम L यहां पर एक है, ऊपर लेके चाहिए L माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा बेटा T माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका बताइए, प्रेशर का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, प्रेशर का। तो चलो लिख देते हैं प्रेशर का, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू,
ठीक है, मुझे किसका चाहिए, ए का चाहिए। क्या मेरे पास वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला है? हाँ है मेरे पास। वॉल्यूम का क्या होता है बेटा, एल थ्री है ना, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बताइए, एल सिक्स हो जाएगा। तो ये मैंने एल सिक्स लिख दिया, ट्रांसफर कर दीजिए, एल सिक्स इस साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू इन टू क्या बेटा, एल सिक्स। तो ए इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखे, एल माइनस वन एल सिक्स कितना हो जाएगा बताइए, एम एल फाइव टी माइनस टू। आई होप आप समझ गए, ए के जो डायमेंशन आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, एम एल फाइव टी माइनस टू। क्या आएंगे बताइए, एम एल फाइव टी माइनस टू। ओके बेटा, ठीक है। अब जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या भाई, एम एल फाइव है ना, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, जरा देखो, एम एल फाइव टी माइनस टू, जल्दी बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है। शायद ऑप्शन यहां पर रॉन्ग लिखा गया है बेटा, है ना, ऑप्शन यहां पर रॉन्ग लिखा गए हैं। ठीक है, ऑप्शन को हटा देते हैं हम, ऑप्शन यहां पर रॉन्ग लिखा गए हैं। ठीक है, ऑप्शन जरा देखें, ठीक, ऑप्शन जरा देखें, ऑप्शन रॉन्ग लिखा गया है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से समझे, ऑप्शन को जरा ध्यान से देखें, तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। एक ऑप्शन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ऑप्शन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक ऑप्शन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। बी का ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, बी के ऑप्शंस क्या क्या है बेटा, एम एल फाइव टी माइनस टू, और एक ऑप्शन हम लिख देते हैं है ना, एक ऑप्शन हम लिख देते हैं क्या बताइए, इसका हम लोग लिख देते हैं है ना, बी का पूछा है, ठीक है, चलो बी का पहले निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद लिख देंगे, ठीक है, बी का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है बेटा इतना। अब जैसे यहां पर अगर आपको बी का भी पूछा जाए, तो मेरे ख्याल से बी का क्या हो जाना चाहिए, एम एल एम जीरो एल है ना थ्री टी जीरो। जरा देखते हैं ऑप्शन क्या है, ये पहली प्रोसेस हो गई, मुझे ए का चाहिए था, ए मिल गया, बी का जरा देखते हैं, बी का जरा देखते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, बी वाला टर्म का है भाई, ये है बी वाला, ये दिख रहा है आपको, तो वी में क्या माइनस किया है हमने, बी माइनस किया है, वी में क्या माइनस किया है, बी माइनस किया है। तो मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, जब उनके डायमेंशंस क्या हो बेटा, सेम हो। तो मैंने v में से माइनस किया है किसको बेटा, b को। अब मैंने जिसके साथ माइनस किया, मुझे b का चाहिए, b के साथ मैंने v को माइनस किया, या v को हमने v में से किसको माइनस किया है, b को माइनस किया। तो क्या मुझे v के डायमेंशंस पता है? हाँ पता है, क्योंकि v क्या है बताइए, v क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है, एल क्यूब। तो जरा देखें, डायमेंशंस ऑफ है ना, डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू क्या बेटा, डायमेंशंस ऑफ b, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, v का क्या होता है, l क्यूब इज इक्वल टू b। तो जरा देखो, b का क्या हो गया, l क्यूब हो गया। चाहो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, m0 l क्यूब t0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका बेटा, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बताइए, b का, ठीक है। अब जरा देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लो, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको, ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, है ना, एक मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है बेटा, एक इक्वेशन है, इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, बनाते हैं, इक्वेशन है मेरे पास, y इज इक्वल टू ए साइन है ना ओमेगा टी माइनस या प्लस के एक्स कर देते हैं, चलो y इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मुझे यहां पर किसका डायमेंशन चाहिए बेटा, ओमेगा का डायमेंशन चाहिए मुझे, किसका डायमेंशन चाहिए, ओमेगा का डायमेंशन चाहिए। क्या ओमेगा का डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हम ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यहां से, बिल्कुल कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा जरा समझिए, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स साइन है, साइन के साथ जैसे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, साइन थीटा लिखते हैं, साइन है ना कॉस थीटा लिखते हैं, तो ये जो थीटा होता है साइन के साथ जो भी होता है इसमें क्या होता है बताइए, एंगल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स क्या है बेटा, एंगल है। अब आप मुझे बताओ क्या एंगल डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल का तो हो गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मैंने ओमेगा टी में प्लस किया है किसको बेटा, के एक्स को, इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन कैसे हैं बताइए, सेम है। तो मैं किसी एक को लिख देता हूं, किसको, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि मुझे ओमेगा का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्या बेटा, ओमेगा टी, तो ओमेगा, ठीक है ओमेगा का चाहिए मुझे, टी का क्या होगा जल्दी बोलो, टी टाइम है, टी के लिए क्या लिख देंगे आप, टी लिख देंगे, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एम जीरो टी को आप नीचे लेके आइए एल जीरो, और ऊपर लेके जाइए टी माइनस वन। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका बेटा, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका बताइए, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना, सॉरी ओमेगा है ना, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब जरा चेक कर लो समझ में आया कि नहीं आया, ओमेगा टी प्लस के एक्स जो है, ओमेगा टी प्लस के एक्स जो है वो क्या है बेटा, एंगल है। और एंगल कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है बताइए, एंगल कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो डायमेंशन लेस मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ओमेगा का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e पर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ठीक है, वेयर, वेयर क्या हो जाएगा बेटा, है ना, P इज इक्वल टू क्या बताइए, प्रेशर, P इज इक्वल टू क्या बेटा, प्रेशर, अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा क्या है बताइए, कांस्टेंट है, जिनके डायमेंशन फॉर्मूला मुझे चाहिए। ठीक है, जिनके डायमेंशन फॉर्मूला मुझे चाहिए। दूसरी बात, जेड क्या है बेटा, तो जेड हो जाएगा डिस्टेंस, जेड क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस है ना, के हो जाएगा बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और थीटा हो जाएगा मेरे पास क्या बेटा, टेम्परेचर, थीटा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, और कुछ बच गया, नहीं, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए किसके बेटा, अल्फा और बीटा के, किसके चाहिए बताइए, अल्फा और बीटा के। सोचो जरा क्या कर सकते हैं, अल्फा कहाँ कहाँ पर है, जरा देखो, अल्फा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है अल्फा, है ना, अल्फा यहाँ पर है, तो जरा देखो इसके साथ जो है जेड डिस्टेंस है, क्या मुझे डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, हाँ बिल्कुल पता है, क्या मुझे के पता है, हाँ पता है, के क्या है, बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, और थीटा क्या बेटा, टेम्परेचर के, हाँ तो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से समझना, E पर पावर है किसकी बेटा, माइनस अल्फा जेड है ना अपॉन के थीटा। E क्या है बताओ, इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू भी होता है 2.718। ठीक है, इसका मतलब अगर जैसे मैं 2 पर 2 की पावर लगाता हूं तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, मतलब कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब क्या है बताइए, कांस्टेंट है, इसका मतलब डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस क्या हो जाएगा, अल्फा जेड अपॉन क्या बेटा, के थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस का मतलब क्या बताइए, डायमेंशन लेस का मतलब क्या बेटा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, क्या यहाँ पर मैं अल्फा जेड अपॉन क्या लिख दे रहा हूँ बताइए, के थीटा। ठीक है, मुझे चाहिए किसका, अल्फा का, के थीटा को आप ऊपर लेके चाहिए, इसका तो कोई मीनिंग है नहीं, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, जेड हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, जेड हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझो है ना, K मुझे पता है, K क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, चाहो तो आप अपनी नोट्स में भी देख लेना, है ना, K माइनस वन, थीटा के लिए क्या लिखेंगे बेटा, K। ठीक है, क्या अपॉन में क्या हो जाएगा, L। अब जरा कैलकुलेट करो इसको फटाक से,
कैलकुलेट करो फटाक से क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेट करो, के कैंसिल आउट, तो है ना यहां पर ए एल भी क्या हो जाए कैंसिल आउट, तो एम एल वन टी माइनस टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका बेटा, अल्फा का। क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, एम एल टी माइनस टू, क्या बेटा एम एल टी माइनस टू डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक एम एल टी माइनस टू। अब बीटा का फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बीटा का कैसे फाइंड आउट करें भाई, बीटा का कैसे फाइंड आउट करें जरा देखो, तो आप इन दोनों को देख पा रहे हो, इन दोनों को देख रहे हो ठीक है, मतलब क्या डायमेंशंस ऑफ पी इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ क्या बेटा, डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, मुझे बीटा चाहिए तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। क्या मुझे अल्फा का पता है, हाँ पता है एम एल टी माइनस टू, क्या मुझे प्रेशर का पता है, थोड़ी देर पहले भी फाइंड आउट करके बताया था एम एल माइनस वन क्या हो जाएगा बेटा टी माइनस टू, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल आउट एम जीरो है ना, एल माइनस वन को ऊपर लेके जाइए क्या हो जाएगा एल टू हो जाएगा, टी माइनस टू से टी माइनस टू क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा बताइए टी जीरो, ये क्या हो जाएगा बेटा टी जीरो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है। तो ये हमारा यूनिट और मेजरमेंट का क्या था बेटा, लास्ट टॉपिक था, यहां पर हमारा यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है बेटा एंड होता है। तो आई होप आपको ये वाली यूनिट बहुत अच्छे से है ना समझ में आई होगी, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर किए करिए, और क्या करिए बेटा सब्सक्राइब भी करना है ठीक है ओके। और एक आपकी है ना जैसे फ्रेंड्स लोग होंगे है ना, दोस्त भाई लोगों को होंगे तो उनको बताइएगा कि हिंदी मीडियम में भी है ना पीएनएसटी की बैच हम पढ़ा रहे हैं है ना, इंस्पायर एकेडमी आपके लिए हिंदी मीडियम में भी बैच लेकर आया है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे से जल्दी जुड़ जाएंगे ठीक है, किसी भी प्रकार के लिए है ना या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप 8269 है ना 8269317381 पर क्या कर सकते हैं बेटा कॉल कर सकते हैं, 8269317381, या तो बॉटम में आपको क्या दिख रहा होगा बेटा है ना आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं बेटा कॉल कर सकते हैं ठीक है। थैंक यू बेटा।